ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज से। अगर पहले होता तो काम चल, अब तो मास्टर डिग्री आप लेने जा रहे हो, नहीं क्या? मास्टर्स में ये सब नहीं चलेगा। ओके, मास्टर में तो अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जानी चाहिए। अगर हम यही काम अगर बीएससी में करते हैं तो बीएससी और टीचर क्या बोलते हैं, अरे तो बहुत छोटा है बोला है ना। और अगर 10+2 में था, देखो रे इसके भी गर्लफ्रेंड है। ओके, क्लियर है? वेरी गुड, चलो कोई नहीं। ग्रेजुएशन में तो हम जानबूझ के बॉयफ्रेंड नहीं बनाते, नहीं तो घर वाले बोलेंगे कि लड़की बिगड़ गई है। बोला है ना, उस टाइम सही लड़के आते हैं, लेकिन नहीं, ये एक्सपेक्टेशन। बोला है ना, समझा रहा है, एक्सपेक्टेशन इज वेरी हाई। और जब मास्टर्स में एंट्री लेते हैं, ग्रेजुएशन होना ठीक था यार। ऐसा किस किस के साथ में हुआ है यहाँ पे? कोई भी नहीं है, है? चलो कोई नहीं, तो अल्फा लिख बना ले पक्का। ये लो, ये मैं लिखने जा रहा हूं एन, ये कौन है सी, और ये कौन है तो सी को कब निकलेगा? ये देखो, ये देखने जा रहे हैं, ये सी डबल बॉन्ड होगा ना, और ये हाइड्रोजन है, वह भी देखने जा रहे हैं, और ये वाला कौन सा बॉन्ड है, ये वाला हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होगा ना, फिर वापिस से कौन, एनसीसी, और ये वाला कौन सा बॉन्ड, पक्का? अब बताओ ये कौन है, एनसीसी। बोला है ना, वेरी गुड, ये एनसीसी है या नहीं है? अब बताओ ये वाला कौन सा बॉन्ड है, और फिर मैंने लिखा है ये देखो, ये एन, ये सी और ये सी, और फिर मैंने क्या लिखा, ये कौन सा बॉन्ड है, ठीक है, और ये पहले मैंने लिखा, फिर लिखा एन सी और ये सी, और फिर ये कौन सा बॉन्ड है, वेरी गुड, फिर मैं क्या लिखूंगा, एन सी और ये सी, फिर ये कौन सा बॉन्ड है, बोल दिया नहीं, फिर मैं क्या लिखूंगा तो एन सी और ये सी, अब बताओ ये कौन सा बॉन्ड है, और बताओ ये कौन है, एन सी सी, और फिर बताओ ये कौन सा बॉन्ड होगा, अब फिर मैं लिखूंगा एन सी और ये सी, अब बताओ ये कौन सा बॉन्ड है, बोल दिया नहीं, तुम सबको सजा मिलेगी अभी, और ये बताओ ये कौन है, अब सजा मिलने के लिए तैयार रहो, और ये बताओ ये कौन है, वेरी गुड। लास्ट लाइन है, लास्ट लास्ट, अभी जिस जो जो एकदम फास्ट बताएगा कौन से ग्रुप के ऊपर क्या आएगा उसको उचित इनाम मिलेगा। ओके, एकदम फास्ट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है पूरे बैच के नाम देने में। बोला है ना, ओके, अब ये देखो, इस ग्रुप के ऊपर आएगा आर और एच ग्रुप, अब बताओ इसके ऊपर क्या आएगा, हाइड्रोजन, एक बार आएगा ना, इसको आर और एच, इसके ऊपर सी डबल बॉन्ड एच, आर और एच, मेरे से तेज बताओ, मेरे से तेज बताओ, मेरे से तेज, मेरे से तेज बताओ, आर यहाँ पे क्या आएगा, एच, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एच, आर और एच, मेरे से तेज बताओ जल्दी से, अरे जल्दी बताओ, अरे यहाँ पे क्या आएगा तो, यहाँ बताओ, और यहाँ पे, और इधर बताओ, इधर इधर, मेरे से फास्ट, मेरे से फास्ट, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पूछना, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, चलो यहाँ बता दो, यहाँ पे, यहाँ बताओ, यहाँ पे, यहाँ बताओ, और यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे, और इधर, और इधर, 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 वेरी गुड, अरे कौन सा बॉन्ड है, शाबाश, सभी ने बहुत फास्ट जवाब दिया ना, बुलाया ना, वेरी गुड, इसके पीछे रीजन क्या बताओ, तुम सब लालची हो इनाम के, इनाम के तुम सब लालची हो। ओके, अब ये देखो लास्ट लाइन है, गुड, ओके, तो बना ले फिर अल्फा एलिक्स, अल्फा एलिक्स के अंदर ये देखो 3.6 अमीनो एसिड 110 बोले सन, एक है 2.2/7, एक कौन सा था 3/10, एक और बोला है ना, एक है 3.6 और दूसरा कौन बताओ 4.4, ये एग्जैक्टली रूल को फॉलो कर रहा है, एन प्लस माइनस टू, मतलब फर्स्ट वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा विद थर्ड, सबको गिनना आता है क्या, एक में दो जोड़ेंगे कितने आएगा, शाबाश, अब देख के बताना, ये वाला एग्जैक्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा फर्स्ट वाला किसके साथ में, है एक साथ बोलो रे,
फोर्थ टू थर्ड, एक साथ बोलो। लेकिन अल्फा लिख के अंदर एन प्लस माइनस फोर है, बताओ फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला है? अरे वन प्लस फोर कितना होता है? फाइव। अब बताइए लड़की बताएगी, एन प्लस माइनस फाइव है इन पाई हेलिक्स, फर्स्ट वाला किसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा? वेरी गुड, समझ में आ रहा है क्या? अरे पांच ही तो ऐड करना है अल्फा हेलिक्स के अंदर, यहाँ पे चार ऐड करना है। याद करने का सिंपल तरीका, दो तीन चार पांच, लेस लाइक ये देखो, ये सी डबल बॉन्ड है, बोला है ना, इस सी डबल बॉन्ड होने बोला मेरे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है। मैंने कहा ये कौन सा अमाइनो एसिड है रे? फर्स्ट मैं अमाइनो एसिड को लिखने जा रहा हूं, ये वाला कौन सा अमाइनो एसिड बताओ? ये वाला बताओ जल्दी से, मेरे पास टाइम नहीं है, एक साथ बोल दो। और ये वाला जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। और ये वाला बताओ, बट टाइम नहीं, पहले सुन लो, ये वाला बताओ। वेरी गुड, और ये वाला ठीक है, बताए मेरे को। और ये वाला एट, और ये वाला नाइन, और ये वाला बताओ, ये वाला यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिखेंगे वाला आया ना, ये टेंथ है। और ये वाला बताओ है, तो जब ये ट्वेल्थ हो गया, इलेवन कैसे हो सकता है? ये ट्वेल्व है, ये इलेवन कैसे हो सकता है? आर ग्रुप है वो, ये इलेवन है। अब तो ये कौन सा है? ट्वेल्व। लेकिन ट्वेल्व के नीचे कौन सा आ रहा है? थर्टीन। लेकिन ट्वेल्व के नीचे ट्वेल्व कैसे आ सकता है? अरे आर ग्रुप है ये। नहीं, कई बच्चे क्वेश्चन पूछने वाले, बता रहा हूं ना, बीच में ही सर ये यहाँ पे ट्वेल्थ कैसे आ सकता है? मैं जानता हूं इस बैच को। अब ये देखो लास्ट लाइन बची हुई, ओके पॉइंट लिस्ट भी को देखिए, कौन कौन बता पाएगा। फर्स्ट वाला एग्जैक्टली मैं अल्फा लिक्स बनाने जा रहा हूं, फर्स्ट वाला किसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा? हैं? हैं? वेरी गुड, यानी अरे ज्ञानी और ज्ञाते एक ही बात बोला है ना, ओके चलो कोई बात नहीं। ये देखो वो कल तुम्हें समझ आ गया था, वो पेंसिल तोड़ने वाला नहीं है ना, नहीं है ना, अगर नहीं तो मुझे बताओ, अगर नहीं आया तो मुझे बताओ है? पेन नहीं मिलेगा, चलो कहीं नहीं, कभी नहीं ना, ओके। अब ये देखो, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, फर्स्ट वाला बॉन्ड बनाने जा रहा है फिफ्थ के साथ में, तो फिफ्थ का हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनेगा, ओके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड? ये फिफ्थ के साथ बॉन्डिंग बना, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बता सकते हो ये सीओ ने पार्टिसिपेट किया है कि एनएच ने? सीओ ने। अब बता सकते हो नेक्स्ट अमाइनो एसिड कौन सा वाला? नेक्स्ट सेकंड वाला होगा, इस सेकंड का सीओ कौन सा? एनएच, टू प्लस फोर, बताओ कौन सा? सिक्स। कहां पर है सिक्स? ये रहा। ये सेवन है क्या? नहीं, मुझे लग रहा है ये तो सेवन है, ये रहा, ये हाइड्रोजन, ये वाला कौन सा वाला? अच्छा ये वाला, ये लगता नहीं था हाइड्रोजन है, सही ढंग से बनाओ भाई इसको, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड बनेगा, ये वाला ना, गुड। मुझे लग रहा है थर्ड वाला किसके साथ बनाएगा? ये रहा थर्ड, और सेवन कहां पर? सेवन किधर है? ये रहा, कहां पर है? ये रहा। अच्छा ये वाला बॉन्ड बनेगा, ये वाला बनेगा, लेकिन थर्ड वाला तो सेवन के साथ बना दिया क्योंकि जोड़ना मेरे को भी आता है, लेकिन फोर्थ वाला किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ये कैसे पता लगेगा? अरे चार जोड़ के देखो, बोला आया ना, ये रहा देखो कहां है फोर्थ? फोर्थ मेरे को नजर नहीं आ रहा, फोर्थ कहां पर है? ये रहा इसका सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप बनाएगा, बोले सुन। और एट कहां पर है? एट के हाइड्रोजन के साथ में कि सीओ के साथ में? तो ये वाला बॉन्डिंग कौन सा बॉन्डिंग है? अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बार के लिए बोल दो, वेरी गुड। अब मैंने फिफ्थ वाले से पूछा, फिफ्थ
फिफ्थ वाले ने बोला सर मैं फर्स्ट के साथ बॉन्ड बना चुका हूं, मैंने कहा हो नहीं सकता। उसने बोला सर आप देखो तो सही, ये रहा, मैं पीछे वाले के साथ बॉन्ड बना चुका हूं। मैंने कहा ओके प्लस माइनस फोर, यस, तो प्लस मतलब नाइन और माइनस फोर मतलब वन। तो फिफ्थ वाला ने, फिर मैं फिफ्थ हूं, मैंने फिफ्थ ने, मेरे पास में दो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का पोटेंशियल, मैं फिफ्थ वाला हूं, मेरे पास में एक अमाइनो एसिड है सीओ, तो सीओ एग्जैक्टली आगे वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा और एनएच, वेरी गुड, पंडित भी को शाबाश, इसके बाद में यू यू नहीं करना है नहीं तो सलमान हो जाओगे। ओके पंडित भी को ये बताओ ये किसके साथ बॉन्ड बनाने जा रहा है, एनएच एनएच सी डबल बॉन्ड है उसका, और ये सीओ किसके साथ में, एनएच आगे वाले के साथ, बोलो यस सर नो। तो जब अपन आगे पहुंचेंगे तो मैंने उसको एनएच को बोला आप, बोलो पीछे वाले के साथ, बोलो पीछे से कौन आ रहा है, बोलो सीओ आ रही है, और मेरा जो सीओ वो आगे वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा, बोलो आया ना तुम आ रहे है, बोला हाँ वेरी गुड। कई बच्चों को तो एकदम हाँ बोलते नहीं हो, तुम आ रहे समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना, बस इतना ही रिएक्शन, उससे ज्यादा नहीं देते हो। ओके बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं होते, अगर आप उनको बोल दोगे ना कि आई लव यू, आई हेट यू, पड़ोसी वो मर गया नो एक्सप्रेशन, नो एक्सप्रेशन, वेरी गुड, चलो कोई नहीं, ओके ओके ओके। यहां पे किसी ने विपश्यना किया हुआ, विपश्यना 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 किसी दक्षा के पेरेंट्स ने किया हुआ है। विपश्यना इज ए मेडिटेशन कोर्स, कौन कौन ने नाम सुना हुआ है, कैसे ओके, दैट इज ए मेडिटेशन कोर्स, आउटस्टैंडिंग मेडिटेशन कोर्स है। ओके लाइफ में एक बार जरूर कर लेना चाहिए। ओके 10 डेज का मेडिटेशन कोर्स है, वर्ल्ड में मोर देन 200 सेंटर्स है, 10 डेज का रहने खाने का स्टे वहीं पर रहता है। ओके दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग यू हैव टू पे। ओके या यस ओके, रहना खाना टोटली फ्री है, कोर्स में हमेशा एडवांस बुकिंग रहती है, 2 महीने तक तो सारी सीट फुल रहती है, आप कोई भी सेंटर देख सकते हैं, कोई भी सेंटर पे आपको चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, है? ऑब्वियसली तभी तो मेरे को पता है सारी चीजें। ओके मैंने अराउंड 10 ईयर्स बैक कर लिया था, राइट, आफ्टर विपश्यना थोड़ा सा आपके अंदर चेंजेस आते हैं, चेंजेस नंबर 1 इज आप फोकस हो जाते हैं टूवर्ड्स योर गोल। ओके क्लियर है, जैसे नॉर्मली ओके गुड, फिर आप ये सब जैसे पैसे वैसों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, समझ आ रहा है, वेरी गुड, आपको पता नहीं ज्यादा सब मोह माया है। ओके कैसा, वही तो मैंने आपके पहले 10 पहले मैंने विपश्यना किया और फिर मैंने लेस्टोक एकेडमी को स्टार्ट किया। ओके क्लियर है, वेरी गुड, तो इसलिए सब मोह माया है, क्लियर सभी को आ रहा है, गुड। अब ये देखो तो जिस जिसने फीस नहीं जमा कराई है वो जमा करा दो, पॉइंट ले रहे, लास्ट लाइन है, इसका मतलब क्या अपन ऐसे बोल सकते हैं, फर्स्ट अमाइनो एसिड इंटरैक्ट विद फिफ्थ,
सीओ पार्टिसिपेट कर रहा है कि एनएच? फर्स्ट का क्या, फर्स्ट का क्या? तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो सीओ ऑफ एन, तो ये एनएच किसका होगा? एन प्लस फोर का। बोला आया ना? श्योर? अरे बोला 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 बोला। किसी ने बोला सर दूसरा तरीका नहीं लिख सकते हो? मैंने कहा क्या लिखना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूं कि सपोज फिफ्थ, मैंने बोला एन है, तो फिफ्थ का एन कौन से किस सीओ से करेगा? मैंने कहा एन माइनस फोर कर ले, मतलब फिफ्थ माइनस फोर करके बोल देना फर्स्ट है। तो अगर मैं इसको एन बोलता हूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एन माइनस फोर। नहीं समझ आया क्या रहा है? अगर मैं इसको बोलता हूं ये फिफ्थ वाला किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? एन एच। फर्स्ट के सीओ के साथ। बोले सुनो, फर्स्ट वाला कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पा रहा है? फर्स्ट वाला कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग? वन। सेकंड वाला बताओ? वन। मैंने इसको इसको खुद बोला था एनएच को, आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं बना रहे? बोलो किसके साथ? बोलो आगे कोई है ही नहीं क्या? बोले सर मैं सेकंड हूं। अच्छा आप सेकंड ही हो? हाँ। अब लाए ना, समझ आ रहा है? अब बताओ ये देखो, ये सीओ तो बोल के जा रहा है मैं तो आगे वाले साथ बॉन्ड बना लूंगा, लेकिन ये एनएच क्या बोल के जा रहा है मैं किसके साथ बनाऊ? तो कहा गया है भी नहीं रे। अरे सीओ मेरा किसके साथ बॉन्ड बनेगा? किसके साथ नहीं? ये वाला नेक्स्ट देखो, ये वाला नेक्स्ट, ये सीओ तो आगे वाले साथ बॉन्ड बना लेगा, बुलाया ना, लेकिन इसका एनएच किसी के साथ बॉन्ड बना पाएगा? अरे इसका एनएच किसी के साथ बॉन्ड बना पाएगा, लेकिन ये रोएगा नहीं। लेकिन जैसे इसका एनएच आया फिफ्थ वाले का, उसमें बोला पीछे से सीओ ने बॉन्ड बना लिया। अरे बोला है ना, अरे ये तो एनएच पीछे सीओ के साथ बॉन्ड बना लेगा ना, और ये सीओ आगे वाले साथ बॉन्ड बना लेगा। एक बार के लिए बोला हाँ। अब बता सकते हो ये एनएच पीछे वाले साथ बॉन्ड बना लिया, और ये वाला सीओ आगे कौन सा वाला? सिक्स प्लस फोर। बोलो सिक्स प्लस फोर कहा है? वो रहा टेन, वो रहा टेन, और मेरे पास में कलर है इस बार ग्रीन। ओके, और ये रहा सीओ और वो रहा एनएच, ये रहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये सेवंथ वाला है, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? एनएच ने बोला मैं तो पीछे से बाउंडेड हूं, और ये सीओ किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? सेवन प्लस फोर कितना होता है? कहां पर है? इलेवन। ये रहा, कोई ये नहीं सोचेगा ये बगल में आ गया, ये दूर है, वो तो मैं बना रहा हूं। समझ आ रहा है? वेरी गुड। मैं तो यहाँ पे बोर्ड के ऊपर कुछ बना सकता हूँ, पंडित सभी को कभी कभी तो मैं हेमा को भी एग्जैक्टली जितेंद्र के बगल में लगा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कौन सा है? लेकिन क्या इस सीओ का नंबर आ पाएगा? सीओ बोल के जा रहा आगे बॉन्ड बनाने, अरे आगे है ही नहीं कोई, आगे है या आगे नहीं? अरे क्या हमेशा अल्फा लिक्स बनाते रहेंगे अपन? अरे बोलो 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 बोलो, कहीं ना कहीं तो ब्रेक करनी पड़ेगी ना। तो आगे क्या बॉन्ड बना पाएगा ये वाला या नहीं बना पाएगा? क्यों नहीं बना पाएगा? आगे कोई है ही नहीं। तो मैंने सीओ से पूछा आगे क्या कर रहे हो? बोले सर मैं किसी के साथ बॉन्ड बनाऊ, आगे कोई है ही नहीं। मैंने सीओ से पूछा आपका क्या सिचुएशन है? बोले सर मैं आगे कोई है ही नहीं। अरे बोला है ना, और ये वाला सीओ आगे बॉन्ड बना पाएगा? और ये वाला सीओ? तो लास्ट के चार सीओ को आगे बॉन्ड बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे? क्यों? अरे आगे को है ही नहीं। बोला है ना, वेरी गुड। सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे? सबसे बड़ा मतलब फैमिली में बड़ी बहन का नाम बताओ। अरे कोई है ही नहीं। बोला है ना, अरे भाई जो फर्स्ट है उससे आगे कोई है ही नहीं, ये वाला बॉन्ड कैसे बनाएगा ये वाला? बोला है ना, या मैं तुम्हें समझा रही सब बातें? गुड शाबाश। नहीं क्योंकि सिंगल है ना इसलिए। अरे बोला ना, अब ये देखो कोई कुछ नहीं करेगा, लास्ट में जीवी है। इसका मतलब स्टार्टिंग के चार N1, N2, N3 और N4 क्या बॉन्ड बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे? सो दिस इज नोन एज व्हाट? N1, N2, N3, N4 कैपिंग। इसका नाम है N1, N2, N3, N4 कैपिंग। लास्ट के चार CO C1, C2, C3 और C4 बॉन्ड बना पाएंगे? सो दे आर नोन एज C1, C2, C3, C4 कैपिंग। समझ आ गया क्या रहे? बोलो आया ना। एक अमाइनो एसिड का कितना पोटेंशियल है बॉन्डिंग बनाने का? दो, दो के चार। पहले सीओ पार्टिसिपेट कर रहा है कि एनएच?
बना लो डायग्राम को. तो व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मड बाय, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाय 12 अमाइनो एसिड. बोलो यस सर. ओके, तो आपको 12 अमाइनो एसिड ने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किए हैं वो आपको बताना है. दैट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाय 12 अमाइनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड. एक बार के लिए बोला हाँ या ना. तो मैंने बोला ओके, सो दिस इज अमाइनो एसिड नंबर 1, अमाइनो एसिड नंबर 2, अमाइनो एसिड नंबर 3, अमाइनो एसिड नंबर 4, अमाइनो एसिड नंबर 5, अमाइनो एसिड 6, अमाइनो एसिड 7, अमाइनो एसिड 8, 9, अमाइनो एसिड 10, अमाइनो एसिड 11 एंड अमाइनो एसिड 12. राइट श्योर? तो मेरे को पता है कि ये देखो ये एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है. दिस इज एन टर्मिनल एंड दिस इज सी टर्मिनल. तो इसका सी पार्टिसिपेट करेगा कि एन? सी, येलो सी 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 सी. और मैंने यहां पे एन 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 और एन कर दिया. तो मेरे को पता है कि फर्स्ट स्टार्टिंग वाला सी पार्टिसिपेट कर रहे जा रहा है वन के किसके साथ में? फिफ्थ के साथ. नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट और नेक्स्ट. बोला आया ना? गुड. अब ये देखो इसका सी तो एग्जैक्टली ये देखो. अच्छा, तो एन के साथ पार्टिसिपेट करेगा ना रे नालायको. आपने सी को सी के साथ लिंक कर दिया, गंदी बात है ना. अरे सी को एन के साथ लिंक करना है कि किसके साथ लिंक करना है? एन के साथ में. ओके, तो चलो मैंने यहां तक एन लिख दिया ताकि हमें ये फोर्थ है ना. इसको मैं एन कर दूंगा ना यहाँ पे, ये लो हो गया, हो गया ना. अब मैं बता सकती हूँ ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला. ये मैंने सी 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 लिखा, अब बताओ ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? फिफ्थ वाला किसके साथ बनाएगा? फिफ्थ वाला नाइन के साथ में. नेक्स्ट बताओ, ये लो. नेक्स्ट बताओ, ये लो, ये लो. फिर आप बताओ ये वाला किसके साथ बनाएगा? ये वाला बनाएगा नहीं. और ये वाला ये बनाएगा नहीं. मैंने ऐसे पूछे कितने बॉन्ड बनाए, तो बोला 1 2 3 4 5 6 7 8. अले ये तो बहुत कम बनाया. कितना आ रहा था तुम्हारा? 8 ही बनाए. तो कैसे क्या होता है? 12 महीने से दूध क्या आठ जी मॉर्निंग पूछी मैंने. अब तो दो दो बनाएगा है क्या? कौन से वाले? हाँ यस, बॉन्ड तो कॉमन होंगे ना. अब ओके पॉइंट क्लियर सभी को. अरे जब इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया तो बॉन्ड तो गिन लिया आपने, दोबारा क्यों गिन रहे हो? अरे आपने इसके साथ में जब इसको बॉन्ड बना लिया तो आपने इसको दो बॉन्ड गिन लिया. बॉन्ड तो एक ही है. बोला है ना पॉइंट क्लियर सभी को. लास्ट लाइन में जीवी है. कितना बॉन्ड बनता है? कितना? वेरी गुड. मैंने ऐसे बोल दिया था एक डीएनए को, उसने बोला सर एडीनिन और थायमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में तीन है, और वापस से गुआनिन और साइटोसिन आ जाए ना तो तीन हो जाती है. मैंने कहा थ्री बेस पेयर के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग? उसने बोला सर थ्री बेस पेयर के बीच में 9 हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक पॉसिबल है. 9 9. एक बार गुड बोला है ना. बोल बोल बोल. मैंने प्रोटीन से पूछा कितना माइनस 12 कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? उसने बोला सर ओनली 8. मैंने कहा 12 अमाइनो एसिड होने के बाद में आपने 8 हाइड्रोजन बॉन्डिंग किए? हाँ सर. डी नेचर होगा तो जल्दी? बोलो हाँ सर 45 से पहले हो जाता हूँ. तेरी बॉन्डिंग जल्दी ब्रेक होगी. अरे सर हम बॉन्ड बनाते ही नहीं है. प्रोटीन बेचारा बॉन्ड ही नहीं बनाता है, हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है ही. थोड़ा टेम्परेचर देते ही तो हालत हो जाती खराब. बॉन्ड है ही नहीं तभी तो जल्दी डी नेचर रहता है. तो
वीक है, बॉन्ड नहीं है ना। अबे 8-12 के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग? 8। नंबर कम है कि ज्यादा है? कम है कि ज्यादा है? और यहां पे नंबर, इसका मतलब कौन जल्दी डीनेचर होगा? कौन? तो वाई प्रोटीन डीनेचर एट 45? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तुम्हें आ रहा है? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज्यादा बनाएगा। तो मैंने उसको खुद पूछा, लिटरली बताया कितना बनाता है। उसने बोला, सर आपको पता है बहुत कम बनाता हूं मैं। 12 के बीच में 4 ही बॉन्ड बनाया रे, 8 ही बनाया। बोले हाँ। अरे 12 के बीच में 8 ही बॉन्ड बनाया तूने? बोले हाँ सर। तो कम से कम 12 तो बना लेता। उसने बोला, सर मैं कैसे बनाऊंगा 12? इसका मतलब कौन जल्दी डीनेचर हो जाएगा? बात समझ आ गई है? पक्का? लास्ट लाइन पहले सुन लो, कोको बंद करेगा। अब ये देखो लास्ट लाइन, अब ये देखो कोई कंपनी करेगा। 5 मिनट अभी बचा वाले, ये देखो कोई कंपनी करेगा। ये मेरे कोई काम का नहीं है, ये भी मेरे कोई काम का नहीं है, ये भी मैं रब करने जा रहा हूं। अब ये देखो आपको बताना है, वेरी गुड। इन रिबन फर्स्ट अमाइनो एसिड फॉर्म बॉन्ड विथ, फर्स्ट अमाइनो एसिड फॉर्म बॉन्ड विथ, एक साथ बोल दो, मेरे पास टाइम नहीं। हाँ तो जल्दी बोला करो, मेरे बोलते ही आंसर आ जाने चाहिए, बोलते ही मेरे आंसर आ जाने चाहिए। मैंने तुमको यहाँ पे तेवर दिखाई नहीं मेरे, ओके? तुमने आ रहा है? कौन कौन मेरी क्लास ले चुका है वो लड़की को बताए। मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ, बोलते ही मेरे को आंसर चाहिए, बोलते ही। कोई नहीं रहता मेरे से। चलो कोई बात नहीं, अब ये देखो लास्ट लाइन बची भी, ओके? यहाँ पे आने के बाद मेरी एक्टिंग थोड़ी कमजोर पड़ जाती है ना। यहाँ पे मैं कैमरे को फेस कर रहा हूँ ना, मेरे को अपना स्मार्टनेस भी देखनी है। आप बता सकते हो रिबन के अंदर फर्स्ट वाले किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? थर्ड कहाँ है? ये रहा, और ये रहा हाइड्रोजन। अरे बोला आया ना, तो मैंने बोला आपने इसके साथ बॉन्ड बनाया? बोला यस सर। मैंने कहा बीच में ये आ रही है, इसको हटाओ। ये बीच में एग्जैक्टली ये जो आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, ओके? ये कैपिंग तुमको समझ में आई गई है? क्यों, तुम तो दोबारा डायग्राम बनाओगे, मैं क्यों बनाऊंगा दोबारा? अब बता सकते हो ये कौन सी बॉन्डिंग हुई है, बताओ? इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैंने 2.2/7 बोलो यस सर। मैंने 7 क्यों बोला है? क्योंकि मेरे को एटम्स काउंट करना है, एटम काउंट करना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले एटम। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इस सर्कल के अंदर एटम देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ये 7 देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखा। दूसरा 3/10 एलिक्स में बताओ फर्स्ट वाले किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? कहां पर है फोर्थ? अरे ये रहा फोर्थ, एक बार क्लिप आया ना, ये कौन है बताओ? फोर्थ है ना, तो क्या ये वाला बॉन्ड बनाएगा? ये वाला कौन सी एलिक्स में? 3/10। अब बताओ एटम काउंट करो, एटम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अरे आगे जाना था रे, आगे जाना था, इधर क्यों घूम गए? ये वाला यहां तक पहुंचना है, बोला है ना। चलो अभी देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब बताओ अल्फा लिक्स में क्या होगा? फिफ्थ के साथ बॉन्ड बनाएगा, फिफ्थ के साथ में। ये देखो ये रहा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। ये तो बॉन्ड पहले से बना हुआ, ये बॉन्ड कौन बना के रे? अरे अपने पहले वाला अल्फा लिक्स बना था, ठीक है एक नहीं। अरे ऑब्वियसली एक लड़की बोल रही है आपने बॉन्ड बनाया, हाँ तो ऑब्वियसली आप और कौन आएगा बॉन्ड बनाने के लिए? अरे समझा रहा है, अरे बोर्ड पे मैं ही तो हूँ। चलो कोई नहीं, अब बताओ ये कौन सा, बताओ अल्फा लिक्स। एटम गिनते हैं, एटम गिनते हैं, ओके? ये देखो 1, 2, 3, 9, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 देखा आ गया ना, कितना आएगा? तो बोलते कि नहीं, मैं इसको देख रहा हूँ, मेरे को देख रही। अरे देखना नहीं है, बोलना है। मैं कंटिन्यूसली तुमको क्यों देख रहा हूँ? तुमको बोलना है ये मेरे को देखी।
फिर मैं इसको देखा, अरे देखना नहीं है बोलना है, ओके क्लियर है, जिसमें देखता हूं कई बच्चे मैं ऐसे, कई बच्चे मैं ऐसे करता हूं, वो भी ऐसे करता फिर मैं जाऊं, हे भगवान ये कौन से बच्चे हैं, अरे ऐसा नहीं करना है बोलना है, ओके चलो अब बताओ, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 राइट ना, अब बताओ नेक्स्ट 4.4 वाला फर्स्ट प्लस 5 किसके साथ में, कहां पर है 6, ये रहा एन एच वोलेशन, और ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बताओ इसका नाम क्या है, पाई हेलिक्स, अब बताओ पाई हेलिक्स का अंदर जल्दी बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 13 14 15 16 पाई अल्फा, सब आगे समझे, बना लो डायग्राम, सो अल्फा हेलिक्स पाई हेलिक्स, और ये समझ आ गया, श्योर पक्का, नो प्रॉब्लम, अब ये देखो लास्ट लाइन बची हुई, नो प्रॉब्लम ना, वेरी गुड, क्या हो गया, कब, एक वीक पहले, और अभी भी इफेक्ट आ रहा है, ओके समझ आ रहा है, वेरी गुड, कैसे चले, पॉइंट नोटेड, खाना बनाने के टाइम में मैं भी ओके डन, अब ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये मैंने एक अल्फा लिक्स बनाया है, एक बार के लिए बोलो, हाँ गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, ओके बहुत ही बढ़िया है, ये देखो अभी से, ये मैंने बोला है, ये मैंने बोला एन सी सी, ये मैंने बोला एन सी सी, फिर मैंने बोला एन सी सी, मैंने बोला एन सी सी, फिर मैंने लिखा एन सी सी, ओके कितने हो गए, कितने हो गए, कितने हो गए, हैं कौन बोल रहा, पांच, गंदी बात, कितने बताओ, सिक्स है, वेरी गुड, ये बताओ ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये फर्स्ट है अल्फा हेलिक्स में, फर्स्ट के साथ में कि सेकंड कि थर्ड कि फोर्थ कि फिफ्थ के साथ में, फिफ्थ का एनएच की कौन, ये देखो, ओके गुड, लास्ट लाइन, ये एग्जैक्टली नेक्स्ट पोजीशन इज एक्वायर्ड बाय ए प्रोलीन अमाइनो एसिड, व्हाट इज प्रोलीन, प्रोलीन एग्जैक्टली ऐसा होता है, प्रोलीन के पास में जो आर ग्रुप है ना वो एग्जैक्टली ये प्रोलीन, प्रोलीन के पास में नाइट्रोजन, प्रोलीन इज ए इमिनो एसिड, व्हाट इज इमिनो एसिड, प्रोलीन के पास में नाइट्रोजन के पास में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होता है, ओके दो हाइड्रोजन नहीं है, सो मैंने प्रोलीन से पूछा आपके पास कितना हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास में, सिंगल, मैंने कहा यार वो तो आप पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के टाइम में रिलीज कर दोगे, बोला हाँ सर, मैंने कहा आपके नाइट्रोजन के पास में हाइड्रोजन नहीं है, बोले ना सर, मैंने कहा फिर आपके पास जब हाइड्रोजन नहीं है तो फिर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाओगे, बोले मैं बनाता ही नहीं हूं, मैंने कहा वो सेकेंड वाला यूं आपके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है, उसने बोला वो तो तैयार है लेकिन मैं तैयार नहीं हूं ना, बोला है ना, अब बताओ, मैंने कहा वो अल्फा हेलिक्स बनाने के लिए तैयार है, बोले मेरा नाम ही हेलिक्स ब्रेकर है मैं हेलिक्स को ब्रेक कर देता हूं, अब आप बता सकते हो व्हाई प्रोलीन इज हेलिक्स ब्रेकर, क्योंकि उस पर हाइड्रोजन नहीं है,
अगर किसी के पास हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या जबरदस्ती उसके साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? अरे सोच के देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए, वो तो मस्ट है। एक बार बोला, मैंने इसको तो बोला था आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं करते, बोला सर मेरे पास हाइड्रोजन है क्या जो मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करूंगा, ओवर एक्टिंग करूं या समझ में आ गया? ठीक है, अभी देखो कोई नहीं करेगा, लास्ट लाइन बची हुई, ये देखो कोई नहीं करेगा। ये देखो इसका एग्जैक्टली ये सीओ वाला, ये सीओ ये फर्स्ट अमाइनो एसिड वाला है ना, ये सीओ आराम से बॉन्ड बना सकते हैं। एक बार बोला हाँ, वेरी गुड। ये सेकंड का सीओ बॉन्ड बना पा रहा है या फिर नहीं बना पा रहा है? ये वाला नहीं बना पा रहे। एक बार बोला है ना, वेरी गुड। ये देखो, ये मैंने फर्स्ट अमाइनो एसिड बोला, ये वाला, ओके ये मैंने सेकंड अमाइनो एसिड बोला है, इस सेकंड का मैंने सीओ लिखा है सिर्फ, ओके पूरा लिखूं? चलो एन सी और ये सी, ये डबल बॉन्ड हो नॉर्मली एग्जैक्टली, ये देखो, ओके ओके चलो एक काम करते हैं, मैं इसको, ये मैंने यहाँ पे टर्न बना दिया ना इसलिए, ओके क्योंकि मैंने इसको टर्न के अंदर शो किया है, तो मैं इसको पहले एक बार नॉर्मल सिचुएशन में इंडिकेट करता हूं, ओके नॉर्मल सिचुएशन देख लेते हैं, ये नॉर्मल सिचुएशन है, बाद में मैं हेलिक्स को ब्रेक कर दूंगा। ये मैंने सेकंड लिखा है और ये सी डबल बॉन्ड ओ मैंने ऐसे लिखा है, दिस सी डबल बॉन्ड ओ फॉर्म बॉन्ड विद, क्योंकि मेरे को फर्स्ट यहां लिखना पड़ेगा, ओके ये सेकंड है, फिर मैंने ये थर्ड लिखा है, फिर ये मैंने लिखा है फोर्थ, और ये मैंने लिखा है फिफ्थ। एक बार के लिए बोला हाँ, और यहां पे मैं एंड शो करके इसके साथ में चिपका दूंगा, बोल दो एक बार के लिए यस सर, गुड। अच्छा हाँ यस, तो सेकंड वाले किसके साथ जाएगा बताओ? तो ये मैंने फोर्थ लिख के ये फिफ्थ करके ये ले सिक्स कर दिया, ओके अपन डायग्राम को ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, गुड डन ना। लेकिन आप मेरे को बता पाओगे क्या ये टर्न, सॉरी ये जो सिक्स अमाइनो एसिड है दैट इज ये, तो क्या ये टर्न ले पाएगा? टर्न ले पाएगा? नहीं। क्या ये टर्न ले पाएगा? नहीं। बोला है ना, क्यों नहीं ले पाएगा टर्न? हाइड्रोजन नहीं है, तो ये देखो ऐसे बनाया मैंने, फिर ओके टर्न करने के लिए उसको बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अरे टर्न करने के लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा बताओ? बॉन्ड। क्या यहां पे टर्न होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। कौन तो यहां पे टर्न कहां लगाया? उधर लगाया ना मैंने, इधर मैंने एग्जैक्टली सिक्स पोजीशन के ऊपर क्या शो किया बताओ? प्रोलीन। इधर तो नॉर्मल अमाइनो एसिड है, तो हेलिक्स को कौन ब्रेक किया? गंदी बात, कभी क्लास के अंदर कोई बात नहीं। अब तो हेलिक्स को कौन ब्रेक किया रे? कैसे? उसने बोला मैं बॉन्ड बनाने के लिए जाऊंगा ही नहीं, बोला है ना ये देखो यहाँ पे जा पाएगा? नहीं जाएगा। कब? जब आप उसके साथ बॉन्डिंग बना लेते। बोले सुनो, आप कहाँ जाना पसंद करोगे? जहां पे आपकी बॉन्डिंग होती हो, ओके आप क्यों पड़ोसी घर में रहते हो? क्योंकि वहां पर आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। पंडस्वी को, वेरी गुड, क्योंकि वहां पर है रमेश, इसलिए राइट ना? नहीं, वेरी गुड। मैं भी यहां से डायरेक्ट कहां जाता हूं बताओ? घर पे नहीं जाता हूं, सामने पड़ोसी है, सबसे पहले मैं उनको फोन करता हूं मैं आ रहा हूं, फिर वहां जाता हूं। समझ आ रहा है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, किसी को पता नहीं, रिकॉर्ड और उसका कि मैं इसको अपलोड भी कर दूं, बोला है ना? समझा रहा है? कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता, बोला है ना? ओके क्लियर है? लास्ट लाइन है, क्योंकि प्रोलिन क्यों हेलिक्स ब्रेकर है किसी को नहीं पता, क्योंकि प्रोलिन को मैंने खुद पूछा था, उसे बोला सर मेरे पास हाइड्रोजन नहीं, मैं कहां से बॉन्ड बनाऊंगा? आप खुद सोच के देखो, या तो मेरे को हाइड्रोजन दे दो मैं बॉन्ड बना लूंगा। तो मैंने कहा तुम तो हेलिक्स को कंटिन्यू नहीं करोगे? बोले नहीं, मैं तो हेलिक्स को ब्रेक करता हूं। अरे बोला ये सुनो, प्रोलिन से जो पहले वाला अमाइनो एसिड है उसका नाइट्रोजन, एग्जैक्टली उसका नाइट्रोजन इस टर्न के अंदर फर्स्ट अमाइनो एसिड वही है। बोलो ये सुनो, उसका जो नाइट्रोजन है वो एग्जैक्टली फर्स्ट वाला, मतलब किसके साथ? उसके सीओ के साथ में बॉन्डेड है। किसके साथ में? तो अरे फोर, मतलब एन माइनस फोर के साथ में। बोलो ये सुनो,
इसका नाइट्रोजन तो इन्वॉल्व है। मैंने इसको बोला आपका ओ डबल बॉन्ड का क्या होगा, उसने बोला सर मुझे जस्ट बाद में प्रोलिन आया, मैं अगर यूं घूम जाता ना तो एग्जैक्टली मेरा भी नंबर लग जाता, इसका नाइट्रोजन तो इन्वॉल्व है लेकिन क्या ये सी डबल बॉन्ड और नेक्स्ट के साथ बॉन्ड बनाता है, यस अगर घूमता तो, लेकिन ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ये तो उधर की तरफ घूम गया। बोला है ना, मैंने इसे बोला था आप उधर तरफ क्यों चले गए, बोले सर यहाँ पर नाइट्रोजन होता ना तब एग्जैक्टली ये जो नेक्स्ट सीओ होता और इसके पास अगर नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन होता तो यू आ जाता ये, ताकि इसका सीओ इसके साथ इस एनएच के साथ बॉन्ड ना आता, मतलब ये वाला सीओ इस एनएच के साथ बॉन्ड ना आता। बोलो ये सर, लेकिन वो नहीं आया सर, उसके पास हाइड्रोजन नहीं है सर। बोले ये सर पॉइंटलेस वीक, इवन जब आपको पता चलेगा कि उसके पास में हाइड्रोजन नहीं है तो क्या बॉन्ड बनाओगे, नहीं। ओके पंडित जी को वेरी गुड। बाबा बच्चे कौन सा वाला, ये प्रोटीन में तो पॉइंट तो लिखा हुआ है, ये तो नॉर्मल है, देखो हाइड्रोजन शो किया ना ऊपर वाले बॉन्ड भी बनाया मैंने, गंदी बात। तो ये देखो फर्स्ट है, ये सेकंड है, फिर मैंने लिखा वापस एनसीसी, फिर मैंने लिखा एन सी और सी, बोले सन और ये हाइड्रोजन, अब ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब क्या उसने हेलिक्स को ब्रेक करके टर्न लगा दिया, यस। इसलिए प्रोलीन एग्जैक्टली कॉजेज व्हाट, टर्न इन द प्रोटीन, टर्न इन प्रोटीन, टर्न का मतलब बॉन्ड तो बनेगा लेकिन ये NCCU बॉन्ड बना रहा है नहीं, फर्स्ट वाले ने बॉन्ड बनाया अगेन 1, 2, 3 और 4 के साथ, बोले सन, तो इन टर्न N प्लस माइनस 3 रूल इज एप्लीकेबल। तो हेलिक्स के अगर आप हेलिक्स को कंटिन्यू करने के बाद में अल्फा हेलिक्स के जस्ट बाद में अगर आपको लग रहा है कि मेरे को टर्न करना है तो वहां पर कौन आएगा, प्रोलिन। So proline causes what, turn, why, उनके पास हाइड्रोजन नहीं तो वो हेलिक्स को कंटिन्यू नहीं कर सकते, हेलिक्स को कंटिन्यू करने के लिए नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए। तो मैंने इसको सबसे पहले पूछा अब आप क्या करोगे, आपके जस्ट सीओ के नीचे एनएच नहीं आएगा, इसके जस्ट नीचे एनएच नहीं आएगा क्योंकि ये तो घूम गया, ये यहीं से घूम गया, बोला आया ना, तो इसने बोला घबराओ मत, जो भी आएगा, जो भी सीओ आएगा, जो भी आगे वाला एनएच आएगा, जो भी यहां पे एनसीसी के बाद में इधर एनएच आएगा ना, उसके साथ में मैं बॉन्ड बना लूंगा, लेकिन ये घूमेगा नहीं, ये यू नहीं घूमेगा। तो ये वाला सीओ आराम से बॉन्ड बना रहा है विद दिस के साथ, तो क्या कर देगा बताओ, पॉलीपेप्टाइड चेन को टर्न, आपको टर्न समझ आ गया, टर्न आ गया, पहला प्रोलिन, दूसरा ये तीसरा और वो चौथा, तो NH तो N प्लस 4 का और CO N माइनस 4 का, बोला है ना, तो फर्स्ट वाले ने चौथे के साथ में बॉन्डिंग बना ली है, बोला है ना, गुड। लास्ट लाइन, इसका मतलब टर्न के अंदर सेकंड पोजीशन इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय प्रोलिन, बोला है ना, सेकंड की थर्ड, वेरी गुड। अगर सेकंड पोजीशन के ऊपर प्रोलिन है, थर्ड पोजीशन के ऊपर एनएमआईएनएस, बोले सुनो, दैट इज टाइप वन टर्न, टाइप वन टर्न, टाइप टू टर्न मतलब सेकंड पोजीशन के ऊपर प्रोलिन, थर्ड पोजीशन के ऊपर ग्लाइसिन, ये है टाइप टू टर्न। अब बताइए टाइप वन और टाइप टू में क्या डिफरेंस है, टाइप वन टर्न के अंदर सेकेंड पोजिशन पे कौन होता है, प्रोलिन, थर्ड पोजिशन के ऊपर कौन होता है, टाइप वन टर्न में कौन होता है, कोई भी अमीनो एसिड होता है। अब टाइप टू टर्न के बारे में सुनिए, इन टाइप टू टर्न द सेकंड पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोलिन एंड थर्ड पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय द ग्लाइसिन, बोलो हाँ, जय श्री राम, बनाओ डायग्राम, और वाह, जय श्री राम, बनाओ डायग्राम, शाबाश शाबाश, ये देखो अपन को ये तो पता लग गया कि व्हाट इज टर्न, टर्न बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रोलिन चाहिए,
समझ आ रहा है? वेरी गुड। आपने गाना सुना होगा ना, मैं निकला गड्डी लेके, है ना, उसमें टर्न आता है, तो उसी मूवी टर्न थी। सुना है? तो आप जैसे एक बच्चे ने मेरे को पूछा था, सर आप हंसने के लिए क्या करते हो, हंसने के लिए आप क्या करते हो? मैंने बोला आप क्या करते हो? बोले सर मैं तो कॉमेडी सीरियल देखता हूँ, ये हो। तो मैंने बोला हंसने के लिए मैं क्लास लेता हूं। ओके, अगर आप मेरे को घर पे देखोगे ना, घर पे, तो जैसे मैं घर पे एंट्री लेता हूं ऐसे रहता हूं, बोलने की मेरे को एकदम सख्त मनाही है, मेरी आवाज ही नहीं निकलती है। ओके, इसलिए वो भड़ास निकालने के लिए मैंने कोचिंग का नाम क्या रखा, लेट्स टॉक। कहीं तो बोलूंगा ना, इसलिए मैंने कहा लेट्स टॉक। ओके, समझा रहा है? हाँ भैया, देखो कोई बात नहीं, डन एक नहीं, कहीं तो बोलना था मेरे को, अब घर में बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं क्या? बोल बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, यही रीजन था, यही रीजन था। देखो एक्चुअली क्या है कि बिना बोला आप रह नहीं सकते हो, एक नहीं, अब घर में मैं कुछ बोलते बस बहुत हो गया। ओके, एक बार आदमी बोलने की कोशिश करेगा, दो बार, ओके क्लियर है? दो तो रिमोट रखे हुए मेरे लिए, म्यूट करने के लिए। हाँ वही तो है कि नहीं, नहीं मैं क्लास में भी ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये देखो, ये कौन है? एनसीसी, ये एनसीसी, और ये एनसीसी, और ये रहा एन, बोला एन है। इसका फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ बन जाएगा ना, मैंने एक बार बोला, चलो इसको थोड़ा और सुधार लेते हैं। ये देखो एनसीसी, एनसीसी, और ये रहा एनसीसी, और ये रहा एन, और ये रहा हाइड्रोजन, और ये सी डबल बॉन्ड। ये बताओ ये कौन सा अमाइनो एसिड है? प्रोलिन ना, इस प्रोलिन का जो सीओ ग्रुप है दैट इज आउटसाइड। ये सेकंड अमाइनो एसिड है कि थर्ड? ये कौन है? और ये वाला, वेरी गुड। सो सेकंड अमाइनो एसिड इज एनी एंड सीओ इज आउट, सो इसलिए दिस इज नोन एज व्हाट, टाइप 1 टर्न। इन टाइप 2 टर्न एग्जैक्टली देखो, टाइप 2 टर्न, ये देखो टाइप 2 टर्न देखें, ये देखो ये एन सी सी, फिर ये एन सी सी, एंड दिस इज एन सी सी, और ये एन सी सी, ये सीओ ग्रुप इज इनसाइड, बिकॉज यहां पर आर ग्रुप इज व्हाट, स्मॉल की लार्ज, स्मॉल। ओके, ग्लाइसिन के अंदर आर ग्रुप बड़ा है कि छोटा है? वेरी गुड, यहां पर है आर ग्रुप। ओके, और ये रहा सी डबल बॉन्ड, और ये रहा एनएच। इसका मतलब सेकंड पोजीशन इज एक्वायर्ड बाय ग्लाइसिन, थर्ड पोजीशन इज एक्वायर्ड बाय ग्लाइसिन, एंड सेकंड पोजीशन इज बाय प्रोलिन, वेरी गुड। इसलिए इसका नाम क्या होता है, टाइप, और ये कौन होता है? आपको टाइप 1 टाइप 2 आ गया पक्का? बना लो डायग्राम, क्योंकि टाइप सेकंड के अंदर हमने किसको बोला, टाइप सेकंड टर्न, टाइप सेकंड के अंदर हमें प्रोलिन इज फॉलोड बाय ग्लाइसिन, दैट टाइप ऑफ टर्न इन विच प्रोलिन इज फॉलोड बाय द ग्लाइसिन द सीओ ग्रुप इज प्रोजेक्टेड इन, सो दैट टाइप ऑफ टर्न इज नोन एज व्हाट, टाइप 1 टर्न, 2 टर्न सॉरी। और व्हाट इज टाइप 1 टर्न, जिसमें सेकंड पोजीशन इज प्रोलिन एंड थर्ड पोजीशन इज एनी अदर अमाइनो एसिड, तो अपन को टेंशन नहीं हुई। ओके, वेरी वेरी गुड। अब अपन है बीटा शीट के अंदर। ओके, ये देखो अपन अमाइनो एसिड पढ़ी लिया था, अब अपन कौन से में बताओ, बीटा शीट की क्या,
बीटा शीट। अरे मेरे मार्ग में कौन ले गया रे? ये रहा लास्ट लाइन बची हुई है, ये देखो एनसीसी दिखाई दे रही है। वेरी गुड, सी डबल बॉन्ड हो एनएच के बगल में आ जाएगा, क्या बना लेगा तो हार्जी मॉर्निंग। ये सी डबल बॉन्ड हो एच के बगल में आ जाएगा, क्या बना लेगा तो हार्जी मॉर्निंग। जल्दी बोलो टाइम नहीं मेरे पास में। ये देखो ये अर्जन है, ये सी डबल बॉन्ड हो किसके बगल में आ जाएगा तो एनसीसी में। कौन सा बॉन्डिंग बना रही है? हार्जी मॉर्निंग ना। कोई पैटर्न है कि बगल में आना है? बस बगल में आना, कोई पैटर्न नहीं है, कोई एन प्लस फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसा कुछ नहीं है। हेलिक्स बना रहे हैं, शीट ही बना रहे। ओके लास्ट लाइन, ये देखो ये एनसीसी ऐसे जा रही है और ये बगल में आया है। एंटी पैरेलल है कि पैरेलल बीटा शीट है? कौन बोल रहा है? देख के बताना, देख के दिमाग यूज ही नहीं करना है। पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है? पैरेलल है। अब दोबारा देखो तो, दोबारा देखो तो ये देखो एनसीसी एंटी पैरेलल की पैरेलल, एंटी पैरेलल बीटा शीट का स्ट्रेंथ ज्यादा है क्योंकि परफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। परफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस एंगल इज 180 डिग्री। ओके पैरेलल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, मतलब 180 डिग्री एंगल है। यहां पे टिल्टेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, टिल्टेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो एंगल इज नॉट एट 180 डिग्री। ये है कौन सी बताओ? पैरेलल। और ये कौन है? आपको बात समझ आ गई? पैरेलल और एंटी पैरेलल समझ आ गया? शर है? क्या एंगल हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अपन देखेंगे अपन एंगल कैसे निकालेंगे, पक्का मैं तुमको पढ़ाऊंगा। ओके ओके फिर अपन यहाँ पे लौट कर आएंगे। ओके वेरी गुड, या फिर मैं एक काम करूंगा, मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक वीडियो बना रखा है, तुम एक और वो वीडियो भी देख सकते हो, है ना? ओके सभी सभी क्या ग्रुप के अंदर है? उदयपुर वाले ग्रुप में आप सभी हो? कौन कौन नहीं है? ओके भजन, भजन सर के नंबर होंगे? तुम व्हाट्सएप यूज नहीं करती हो तो तुम कैसे मैसेज पहुंचाती हो? फिर कॉल कर देती हो? ओके फिर ठीक है, आप ये देखो भाई बहुत बढ़िया, फिर कोई दिक्कत नहीं। रही आ रहा है शाबाश, आप ये देखो। और अगर कोई चुटला वगैरह उसको भेजना हो तो वो डायरेक्ट सुना देती है। अच्छा वो सुना ही देता तुमको? अच्छा तुम सुना देती है उसको? ओके आप ये देखो, ठीक है भाई समझ आ रहा है, हम भेजते ही नहीं, हम तो सीधा सुनाएंगे। ओके आप ये देखो। ओके क्या भरोसा, पढ़े या नहीं पढ़े? बढ़ाया ना, या किसी और की चुटली पढ़ रहा उस टाइम में जब आप उसको व्हाट्सएप कर रहे हो? इससे अच्छा अपन कॉल करके उसको सुनाएंगे, डन। ओके तभी ये रिलेशन मेंटेन है विदाउट व्हाट्सएप। ओके आप ये देखो लास्ट लाइन बची हुई है, ये देखो लास्ट लाइन बची हुई है, ये देखो बस हो गया। ये देखो ये एनसीसी है, ये रहा एनसीसी। और ये कौन होता है? एनसीसी दिखाई दे रही है। इसमें जो आर ग्रुप होगा, ये देखो ये आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप है, बोलो ये सुनो। एडजेसेंट अमाइनो एसिड के बीच में डिस्टेंस बताओ, मतलब एक सिंगल अमाइनो एसिड के बीच में 3.5, दो अमाइनो एसिड 7 एंगस्ट्रॉम, अरे बोला आया ना, तीन अमाइनो एसिड 10.5, तुमसे पहले तो मैं बता रहा हूं। ओके लेकिन अगर सपोज ये आर ग्रुप बहुत बल्की हो, बड़े बड़े आर ग्रुप होंगे, तो क्या ये वाली डिस्टेंस इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो मैंने कहा देखो बिकॉज ऑफ द बल्कि आर ग्रुप दिस डिस्टेंस इज 7.2 एंगस्ट्रॉम। नॉर्मली बीटा शीट के अंदर ऐसा होता है, तो इसका मतलब क्या यहां पर बिकॉज ऑफ द बल्किनेस क्या डिस्टेंस इंक्रीज हो गई? यस, और ये डिस्टेंस एग्जैक्टली 3.6 है,
मैंने बोला यार आर ग्रुप आप है, मतलब माइनस सीट ऐसे खिंच गया। बोले सर ऐसा लग रहा है किसी ने बीटा को ऐसे शीट को ऐसे पीट दिया। अरे पीटने के बाद खींच सकता आदि। बोले सर वेरी गुड, इसलिए इसका नाम था बीटा प्लीटेड शीट। प्लीटेड मतलब किसी ने पीटा है उसको, बुलाया था पीटने का मतलब समझ आ गया। उसने तो कैसे भी बीटा प्लेटेड रखा, अपन को तो अपने से मतलब बोले आया ना। वन क्लेस भी को वेरी गुड लास्ट टाइम, आपको बीटा प्लेटेड शीट समझ आ गया पक्का वेरी गुड। सरफेस के ऊपर नॉर्मली अल्फा लीक्स है ओके, बट अगर मैं बोल के जा रहा हूं एक सरफेस है जिसपे अगर मैं बीटा शीट बनाने जा रहा हूं तो मैंने क्या किया उसके अंदर एक बल्ज बनाया है ओके तो इसको नाम क्या होगा बताओ, बीटा बल्ज, BULDG। बीटा बल्ज मींस बल्ज इन द बीटा शीट। बल्ज का मतलब समझ आ रहा है, ये बताओ ये स्ट्रेट है कि बल्ज है। बल्ज। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा, जैसे अल्फा अल्फा हेलिक्स और हेलिक्स के टाइप्स है ना उसी तरीके से बीटा के टाइप, ये बीटा बल्ज है। आपको बीटा बल्ज आ गया, ये देखो ये बीटा शीट और ये बल्ज। नॉर्मली हेलिक्स कहाँ वाला मैंने यहाँ पे ओके नॉर्मली अगर मैं बोल के आ रहा हूँ एक एक ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर सरफेस पे क्या मिलेगा अल्फा लीक्स। अगर मेरे को अल्फा लीक्स के अंदर बल्ज बनाना होगा तो ये देखो अल्फा लीक्स है और फिर ये मैंने लिखा है ये, फिर मैंने बल्ज बना दिया। मैंने कहा ये क्या है, उसने बोला 4.4/16 हेलिक्स। तो बिकॉज ऑफ द 4.4 क्या क्या इसको अपन बोल के जा रहे हैं दैट इज अल्फा बल्ज, बट इन अल्फा बल्ज और पाई बल्ज भी बोल सकते हैं। बट इसके अंदर है क्या एग्जैक्ट में, पाई हेलिक्स है। अगर एक अमाइनो एसिड अगर मैं और लगा देता हूं टर्न के अंदर तो क्या ऐसे स्मूथली जाएगा कि थोड़ा शेप चेंज हो जाएगा, दैट इज बल्ज। अभी देखने जा रहे हैं अगर मैं ऐसे अल्फा लीक्स बनाने जा रहा हूं, नाउ आई वांट कि ये अल्फा लीक्स ऐसे इस अल्फा लीक्स अंदर थोड़ा सा मैं टर्न करना चाह रहा हूं, पूरा टर्न नहीं, वी रिक्वायर प्रोलिन। बोले सन ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, मेरे को थोड़ा सा टर्न करना है, थोड़ा सा टिल्ट करना है बस, ये ऐसे करना है। तो किसी बोले तो बल्ज बना रहे हो आप, बोला हाँ, तो यहां पे अमाइनो एसिड का नंबर चेंज होगा, वन अमाइनो एसिड इज एडेड मींस 3.6 प्लस 1 ऑलमोस्ट 4.4। बोलो फिर चेंज हो गया, बोलो क्या, बोलो फिर वो आप उसको पाई बल्ज बोलो, तो वो पाई हेलिक्स है। पॉइंट क्लियर सभी को, श्योर कौन समझ आ गया, पाई हेलिक्स बोल सकते हो क्योंकि पाई हेलिक्स प्रेजेंट है वहां पे, तो पाई बल्ज बोलो कोई दिक्कत नहीं। पाई हेलिक्स क्यों बोला, क्योंकि पाई प्रेजेंट है। अरे पाई प्रेजेंट होगा कि कौन प्रेजेंट होगा, पाई। और क्या बोला उसको अपने बताओ, बल्ज, कौन सा बल्ज, अल्फा बल्ज बोलो चाहे पाई बल्ज बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझ आ गई, वेरी गुड लास्ट लाइन। 3/10 हेलिक्स कहां पर प्रेजेंट है, जब एक अल्फा लीक्स बनता है तो स्टार्टिंग में अल्फा नहीं बनता है, पहले ओनली 3/10 बन रहा है, 3/10 बन रहा है। रीजन इज N1, N2, N3, N4 के, बोलो ये सुनो ओके। सो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ा स्टेबिलिटी देने के लिए अपन ने वहां पे क्या बनाया बताओ, 3/10 हेलिक्स। बाद में एग्जैक्टली टर्मिनल पोजिशन के ऊपर क्या मिलेगा, 3/10। टर्मिनल पोजिशन पे क्या मिलेगा बताओ, 3/10। अब ये देखो वापिस 3/10 हो गया। So, 3/10 helix is found where? At the terminal position of the alpha helix. At the terminal position of alpha helix, क्या मिलेगा? 3/10. अगर मेरे को बोलना pi helix क्या मिलेगा? बीच में, जहां पे बल्ज होगा। बल्ज बन सकता है ना? बल्ज बनाना आ गया? Suppose, अगर मैंने बोला ये alpha helix है, अगर इसके अंदर मेरे को बल्ज बनाना होगा, मैं चाह रहा हूं कि ये थोड़ा सा यू रोटेट नहीं होके थोड़ा सा इसके अंदर यू आ जाए। इसका मतलब इस पर्टिकुलर के अंदर मैंने 4 अमाइनो एसिड रखे, बस क्लियर है ना, ज्यादा कुछ खास नहीं है। लास्ट लाइन है, आपको बीटा शीट समझ आ गया, बीटा प्लेटेड आ गया ना,
श्योर बना लो। बल जा गया। द एन एन सी टर्मिनल ऑफ अल्फा हेलिक्स इज स्टेबिलाइज बाय by 3/10 helix. है ना? ओके, कौन सा हेलिक्स? 3/10 हेलिक्स। आपको बात समझ में आ गई? श्योर? एक बार के लिए बोला हाँ। वेरी गुड। अब ये देखो, वेरी वेरी गुड। लाओ, मेरे को चार कॉपीज चाहिए भाई, चार कॉपीज। बीटा प्रोपेलर बताना है मेरे को, चार कॉपी चाहिए, चार चार। अच्छा, कॉपीज के साथ में मैं ज्यादा नाटक नहीं कर सकता हूँ, पेन में तोड़ सकता हूँ। कारण क्या है? कॉपीज को तो ऑब्वियसली कॉपीज बहुत महंगी आती है। ओके, तीन हुई तो ये क्यों नहीं? शाबाश। ये देखो, टॉपिक इज बीटा प्रोपेलर। इसका दूसरा नाम है डब्ल्यू डी डोमेन। ओके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे ट्रांसफेरेजेस एंजाइम्स के अंदर है। ओके, इंपॉर्टेंट डोमेन है, राइट? वेरी गुड। सो लड़की को आने में टाइम लग जाएगा ना, अपन समझा देते हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके, बाद में उसको रिपीट कर देंगे। क्या बोलते हो? डन। ये देखो, ये एक बीटा शीट है, दूसरी बीटा शीट देखना, तीसरी बीटा शीट देखना। चौथी बीटा शीट देखना। ओके, चौथी बीटा शीट फर्स्ट बीटा शीट के ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ऑलमोस्ट क्या? परपेंडिकुलर। ये लो, देखो, फर्स्ट के ऑलमोस्ट क्या हो गए बताओ? परपेंडिकुलर। डन। फर्स्ट बीटा शीट इज परपेंडिकुलर टू फोर्थ बीटा शीट। लाओ, थैंक यू। क्या भी देखो, ओके, फर्स्ट बीटा शीट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? फोर्थ बीटा शीट। ओके, अब ये एग्जैक्टली ऐसे है। यहां पे भी एक और है, यहां पे भी एक और है, इधर भी एक और है, इधर भी एक और है। फोर बीटा शीट्स अरेंज इन ए टोरॉइड मैनर और सोलेनॉइड मैनर। एक मैं यहां बनाऊंगा, एक मैं यहां बनाऊंगा, एक मैं यहां बनाऊंगा, एक मैं यहां बनाऊंगा। ऐसे आप फोर अरेंज कर सकते हो या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अरेंज कर सकते हो, या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अरेंज कर सकते हो। तो 4 to 8 बीटा शीट्स का इस तरीके से अरेंजमेंट है। ये 4 है ना, तो एक ऐसा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको मैंने क्या बोला है? बीटा प्रोपेलर। बीटा प्रोपेलर में 4 बीटा शीट है। ये देखो, ये 1 बीटा शीट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ वाली दे आर परपेंडिकुलर। एक बार के लिए बोल दो हाँ या ना। ये देखो, फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू फोर्थ, देख सकते हो ना, है ना? बोला या ना? पक्का? फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? फोर्थ। दिखाई दे रही है? डायग्राम बना ले, डायग्राम बना ले। ये लो भाई, अपनी अपनी बीटा ले लो।
अपने भी बेटा ले लो, ये देखो, तो ये देखो पहले सुन लो, ये देखो, ये देखो, मैं तो ऐसे ही बना सकता हूँ। ओके, इसमें परपेंडिकुलर बनाने में मेरे को बहुत जोर आएगा। एक बार के बोला है ना, ये देखो, ये दूसरा, ये देखो, ये थर्ड, ये देखो, ये फोर्थ, ये फिफ्थ ले लो, बस बहुत है। सो फोर बीटा शीट अरेंज इन 4 to 8 स्ट्रक्चर। ओके, इन टॉरॉइड और सोलेनोइड मैंने ना इसको अपन क्या बोल के आ रहे हो, बीटा प्रोपेलर। आपको बात समझ आ गई? इसका दूसरा नाम क्या होता है, WD डोमेन। ओके, मैं बोल के जा रहा हूँ GTP बाइंड, तो यही बाइंड करेगा। मैं बोल के जा रहा हूँ ज्यादातर ट्रांसफरेजेस, मतलब ATP बाइंड करने जा रहा है, यही बाइंड करता है। बहुत सारे एंजाइम्स के अंदर ये कॉमन है। कौन सा? WD डोमेन। इसका दूसरा नाम क्या था? बीटा प्रोपेलर शीट। आपको बीटा प्रोपेलर शीट समझ आ गया? बना लो डायग्राम। 150 is to right. Right answer is how much? 150. Reason is here. What is the size of polypeptide chain? 100 amino acid. इस 100 amino acid को अगर मैं alpha helix में convert करता हूँ, okay? Good. So what will be the size? मुझे पता है अल्फा लिक्स द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट अमाइनो एसिड इज 1.5 एंगस्ट्रॉम। बोले सर, एडजेसेंट के बीच का डिस्टेंस है ना, बिकॉज पिच वाज 5.4 डिवाइडेड बाय 3.6, सो 1.5 एंगस्ट्रॉम इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट अमाइनो एसिड। बोले सर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना जाएगा? 150 एंगस्ट्रॉम। Right? Good. Now tell me what will be the size if we convert this into ribbon? Hmm? 272. एक बार के लिए बोलता है। Sure? 2.72 is a pitch per residue. बोले sir. Divided by 100. So 272 or 270 एंगस्ट्रॉम। श्योर ना? वो देख बढ़ दिया। श्योर? बना डायग्राम। डन। न्यू टॉपिक।